एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर। पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है, आज पैनल रिपेयर में बताएंगे प्रैक्टिकली हम स्कैन ड्राइवर आईसी कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकली हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी कहाँ लगी है, पैनल के अंदर लगी है, कैसे हम पता लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। इससे पहले देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं थ्योरी बना चुका हूँ, यह वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। आज मेरा इसी का प्रैक्टिकल वीडियो है कि हम प्रैक्टिकली कैसे स्कैन ड्राइवर आईसी पता लगा सकते हैं, हमारी सोर्स पीसीबी पर लगी है कि टीकोन बोर्ड में लगी है कि पैनल के अंदर लगी है, कैसे पता लगा सकते हैं। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह जो है मल्टीमीटर का डिस्प्ले है जो मैंने डायल रेंज में बजर रेंज में रख दिया है। देखिए व्हीप की आवाज दिखाई दे रहा है, इसी व्हीप की आवाज में ही आप लोगों को चेक कराएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एसटीवी ओई और जो सीपीवी होती है यह सिग्नल हम कैसे पता लगा सकते हैं प्रैक्टिकली कि हमारी किस आईसी पर जा रही है, सोर्स पीसीबी पर लगी है कि पैनल के अंदर लगी है, कहाँ कहाँ लगी है, कैसे कैसे प्रैक्टिकली ट्रेस कर सकते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलेगा। ये जो आईसी है ये टीकोन आईसी है और यह जो आईसी है यह डीसी टू डीसी आईसी है, जो खराब हो गया है तो निकाला है। अगर इस बीसीसी सप्लाई से इस आईसी के पिनों पर बीप की आवाज देता है तो इससे यह पता चल जाएगा कि यह 100 में से 100% ये डीसी टू डीसी आईसी है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस आईसी के पिन से इस बीसीसी से बीप देता है, इससे यह पता चल गया कि ये डीसी टू डीसी आईसी है। आरएक्स सिग्नल जो होती है जिस आईसी पर जाती है वह टीकोन आईसी है होती है। और देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एसटीवी ओई और पीओएल लिखा है, कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है, यही सिग्नल स्कैन ड्राइवर आईसी पर जाएगी, किस आईसी पर बीप देती है। देखिए इसमें दो ही आईसी लगी है दिखाई दे रहा है, अब देखना होगा किस आईसी पर ये जो सीपीवी ओई एसटीवी जो होता है किस आईसी पर बीप की आवाज देता है। अगर बीप की आवाज देता है तो इससे ये चल जाएगा हो सकता है उस आईसी से इनबिल्ट हो स्कैन ड्राइवर आईसी जो गेट सिग्नल के लिए निकालता हो। देखिए ये जो है यह एसटीवी का टेस्ट पॉइंट है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एसटीवी का टेस्ट पॉइंट है, इस पर रखेंगे और देखेंगे इस आईसी पर कहीं बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एसटीवी का जो टेस्ट पॉइंट है इस आईसी से वीप की आवाज देता है, इससे वीप की आवाज देता है, इससे ये पता चल गया कि 100 में से 100% ये जो है ये टीकोन आईसी है, जो टीकोन आईसी से डायरेक्ट सीपीवी ओई एसटीवी सिग्नल इसी आईसी से निकल रहा है, इससे ये पता चल गया कि ये हमारी टीकोन आईसी है। अगर एक सिग्नल से पता चल रहा है 100 में से 100% जो इसकी सीपीवी ओई एसटीवी सिग्नल होगी इसी आईसी से निकलेगी और ये जो टीकोन आईसी होगी इस टेस्ट पॉइंट से इस आईसी पर वीप की आवाज देता है। अगर इस आईसी पर वीप की आवाज देता है तो हो सकता है इसके अंदर डीसी टू डीसी आईसी के अंदर लेवल सेप्टर आईसी इनबिल्ट हो। अब आपको ट्रेस करके देखना होगा। देखिए व्हीप की आवाज नहीं दिया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि इसके अंदर लेवल सेप्टर आईसी इनबिल्ट नहीं है। आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यह जो है यह सीधे पैनल पर जाएगा, यानी यह जो सोर्स काप होगी सोर्स काप इस पर चपकी हुई होगी, वोल्टेज और सिग्नल इसी रास्ते से पैनल के अंदर जाएगा। अगर इस पर इस टेस्ट प्वाइंट से अगर व्हीप इस पर देता है तो 100 में से 100% जो स्कैन ड्राइवर आईसी हमारी है पैनल के अंदर लगी होगी, इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट प्वाइंट से इस पर व्हीप की आवाज देता है जो सीपीवी ओई एसटीवी सिग्नल है तो 100 में से 100% यानी इस रास्ते आपके रास्ते सीधे पैनल के अंदर जा रही है सिग्नल, पैनल के अंदर इंस्टॉल होगी लेवल सेप्टर आईसी। टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे और देखेंगे व्हीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो सोर्स काप चपका हुआ है एसटीवी के टेस्ट पॉइंट से इस पर बीप की आवाज देता है। अगर जो सोर्स काप चपका हुआ है अगर उस पर जो ये लाइनें होती हैं सोर्स पीसीबी पर अगर इस लाइनें पर बीप की आवाज देता है तो इसे ये पता चल जाएगा कि 100 में से 100% स्कैन ड्राइवर आईसी है पैनल के अंदर लगी है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अगर जितनी आईसी हमारी सोर्स पीसीबी पर लगी होती टीकोन बोर्ड लगा होता टीकोन से निकल रहा है सीपीबी ओई एसटीवी यानी जो सिग्नल निकल रहा है कंपनी के से ये अलग अलग नाम हो सकता है, जो कंपनी होती है अपने अपने अनुसार अलग नाम देती है। जिस आईसी से निकलेगी वह टीकोन आईसी होगी और जिस आईसी पर जाएगी
तो वह हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी हो सकती है। हो सकता है स्कैन ड्राइवर आईसी अलग से लगी हो, या हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इनबिल्ट हो। आईसी नहीं मिलता है तो आपको जहां सोर्स कार्ड चिपका हुआ होगा उस पर आपको ट्रेस करना होगा। इस तरीके से अगर वीप की आवाज देता है इससे ये पता चल जाएगा 100 में से 100% जो हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी है वह पैनल के अंदर लगी है। इस तरीके से हम प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।